दोस्तों, क्या आपके फोन से मैसेज नहीं जा रहा है? अगर आप अपने फोन से मैसेज सेंड करें और आपका मैसेज सेंडिंग फेल हो जा रहा है, तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर हमारी मैसेज सेंडिंग फेल हो जाए तो उसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, आप उन स्टेप को ध्यान से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप अपने फोन को एक बार यहाँ से फ्लाइट मोड कर लीजिएगा और फ्लाइट मोड कर लेने के बाद आप इसे फ्लाइट मोड से हटा दीजिएगा और अब आप चेक कीजिएगा कि मैसेज सेंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर तब भी मैसेज सेंडिंग फेल हो जाए तो फिर आपको क्या करना होगा कि आप अपनी मैसेज ऐप को ओपन कीजिएगा और मैसेज ऐप ओपन हो जाने के बाद हो सकता है आपके फोन में यहाँ पे 3 बिंदु हो या फिर 3 लाइन हो। मेरा फोन EMI का है इसलिए यहाँ पे ये सेटिंग का आइकॉन है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग। अब दोस्तों एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप फिर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे ये जो नंबर है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेज हो गया हो, इसके वजह से आपकी फोन से मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। तो इस नंबर को आप कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ से सीधे कट कर दीजिएगा और कट कर देने के बाद आप अपने फोन में ब्राउजर को ओपन कीजिएगा। यहाँ पे मैं गूगल को ओपन कर रहा हूँ और दोस्तों गूगल ओपन हो जाने के बाद आपका जिस कंपनी का सिम है आप उस कंपनी का सिम का यहाँ पे नेम डालिएगा, उसके बाद SMS सेंटर नंबर और उसके बाद दोस्तों आप अपनी स्टेट का नाम डाल के इसे सर्च कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ एयरटेल SMS सेंटर नंबर बिहार, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पे मैं बिहार लिखा हूँ। अगर आपका सिम जियो या फिर वोडा का है तो यहाँ पे जियो या फिर VI लिखिएगा, इसके बाद SMS सेंटर नंबर और इसके बाद आप अपने स्टेट का नेम डालिएगा, इसके बाद आप इसे सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सभी स्टेट का SMS सेंटर का नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पे मोर रोप हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी स्टेट का मैसेज सेंटर नंबर देख सकते हैं। आप इस नंबर को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा कि फिर से आप जाइएगा अपने मैसेज ऐप में और दोस्तों यहाँ पे आप उस नंबर को पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये +91 आगे लगा होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ से इसे ओके कर दीजिएगा और इसके बाद फिर से आपको मैसेज करके देखना है। अगर ये तब भी फेल हो जाए तो फिर आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ से आ जाइएगा एकदम से बैक और आप अपने मैसेज ऐप पे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा। जैसे ये मैसेज ऐप है, आपको अपनी फिंगर से यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एप इन्फो का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एप इन्फो, देन आपको क्लिक करना होगा स्टोरेज और स्टोरेज पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद क्लियर कैचे, इसके बाद ओके और फिर आपको क्लिक करना होगा क्लियर ऑल डाटा और इसके बाद आप फिर से क्लिक कीजिएगा ओके। दोस्तों इतना कर लेने के बाद आपकी मैसेज सेंडिंग फेल प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। अब आप किसी को भी बड़े आराम से मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर तब भी नहीं ठीक होता है तो आपको एक बार अपनी सिम की वैलिडिटी चेक कर लेना होगा कि कहीं आपकी प्लान की वैलिडिटी एक्सपायर तो नहीं हो गई है। अगर वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है तो फिर आप उसे रिचार्ज करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपके काम क्योंकि आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिप ना ख्याल रखिएगा। बाय।